बर्तन का ये बहुत बड़ा खेल है जिसका पर्दाफाश अब हो चुका है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। धर्म प्रचारक हैं एचएस रावत, वो हमारे साथ हैं, साथ ही मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रशीदी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, असल तो मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर ये चूंकि मामला अभी पुलिस के उसमें चला गया कस्टडी में और ये मामला कोर्ट जाएगा, कोर्ट से जो साबित होगा वो देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर गैर तरीके से और ऐसे तरीके से जिसमें कोई लुभावन हो या कोई पैसे की बात हो या हरासमेंट की बात हो या डराकर धमकाकर किया जाए, इस्लाम उसको नहीं मानता। इस्लाम उसको बिल्कुल मना करता है कि इस तरह का इस्लाम हमें नहीं चाहिए जिसमें कोई लोभ लालच हो या जिसमें कोई किसी तरह की धमकी वगैरह हो डराकर धमकाकर किया जाए, क्योंकि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई काम इस तरह का कोई काम करता है तो इस्लाम उसको नहीं मानता और ये बिल्कुल गलत है। यानी कि रशीदी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर इस तरीके से हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, इस्लाम उसको नहीं मानता है। इस्लाम ये कहता है कि जो आदमी अपने हृदय से, अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से इस्लाम को कबूल करे वो ही मानने होगा। अगर कोई आदमी उसको लालच दे रहा है, उसको बाकायदा तैयार कर रहा है या डरा धमका कर उसको मारने की धमकी देकर या कुछ भी करके उसको इस्लाम में लाना चाहता है तो इस्लाम उसको मानते नहीं। कुरान सिरे से नकारता है इन चीजों को। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल रावत सब आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, क्या बालमन गीली मिट्टी की तरह होता है, जिस तरफ मोड़ दिया जाए उस तरफ मुड़ता चला जाता है, क्या ये वजह है कि अब इस तरीके से नाबालिगों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये तो सच है कि मदरसों के अंदर जो तालीम बच्चों को दी जाती है उसमें उनको काफिरों के खिलाफ जहर उगलना सिखाया जाता है। उनको बताया जाता है कि आप काफिरों का कोई प्रसाद मत लीजिए, कहीं मंदिर दिखाई देता है तो उसकी तरफ झुकिए मत, उनके होली दिवाली ईद को कभी भी विश मत करिए। ये वहां पर इनके दिमाग में कूट कूट करके जहर भर दिया जाता है। अब यहाँ मौलाना साहब रसीदी साहब तो उदारवादी हैं, इन्होंने तो बोल दिया गलत हो रहा है, लेकिन इन्हीं का एक स्लीपर सेल होता है जो कट्टरता सिखाता है, जो इनको बताता है अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करना है। और धर्म परिवर्तन तो इस्लाम का एक हिस्सा है। जो धर्म परिवर्तन करता है तो उसको बोला जाता है कि आपको जन्नत मिलेगी, और जो धर्म परिवर्तन करा के मौलवी के पास जाता है उसको इनाम मिलता है, उसको पैसा भी दिया जाता है। और इनका पैसा फिक्स है कि आप ईसाई का धर्म परिवर्तन कराते हो तो इतना पैसा मिलेगा, आप सिख की लड़की का या लड़के का धर्म परिवर्तन कराते हो तो इतना पैसा मिलेगा। अगर ऐसा ही गलत है तो इन्होंने कभी जाकिर नाइक के खिलाफ नहीं बोला मौलाना रसीदी साहब ने, क्योंकि ये खुद इमाम है बहुत बड़े, वहां पर विरोध करते, किस प्रकार से वो हिंदू धर्म का विरोध करते थे, कैसे राम का मजाक उड़ाते थे, कैसे कृष्ण का मजाक उड़ाते थे। तो यहाँ रावत साहब इसी बात का जवाब मैं रशीदी जी से ले लेती हूँ। रशीदी जी, ये बताइए ना कि ये बात तो सच है, इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे कई घटनाक्रम हमने देखे हैं जहां पर बच्चों को अब लगातार टारगेट किया जा रहा है, वो बच्चे जिन पर पेरेंट्स लगातार नजर रखते हैं, लेकिन नाबालिगों को गेमिंग के जरिए अब टारगेट किया जा रहा है। सर देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, रावत साहब ने जो कहा है कि जहर फैलाते हैं, जहर भरते हैं बच्चों के दिमाग में, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल साफ है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट यह है कि हम अल्लाह के नाम के अलावा अगर कोई चीज बनाई जाए किसी देवी देवता के नाम पर तो इस्लाम उसको यूज करने से मना करता है, क्योंकि इसको हम शिर्क कहते हैं अल्लाह की जात में। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आदमी खाना बनाता है किसी भगवान के नाम पे तो इस्लाम ये कहता है कि उस भगवान के नाम पर वो खाना ना खाया जाए, ना लिया जाए, क्योंकि ये हमारी आस्था है। आस्था पर चोट नहीं करना चाहिए किसी की। आपकी आस्था कुछ और हो सकती है, हमारी आस्था कुछ और हो सकती है। तो हमारी आस्था यह है कि गैरुल्लाह के नाम पर जो खाना बनाया जाए या कोई चीज तकसीम की जाए तो हम उसको खाते नहीं है। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। इसमें जहर भरने वाली जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, क्लियर कॉन्सेप्ट है अल्लाह के अलावा। लेकिन बीच में मत बोलो, ये कहां लिखा हुआ है कि आप कहीं छुप करके तिलक लगा लो, इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? वैसे तो आपका दीन अपने अल्लाह को ही मानता है, अच्छी बात है मानिए, लेकिन आप तिलक लगा करके जब हिंदू लड़कियों के साथ धोखा करते हो क्या इस्लाम क्या उसको सजा नहीं देता इस्लाम? और जब आप कलावा मानते हो, जब आप अपना नाम परिवर्तन करते हो तो उस समय पर इस्लाम इनको क्या सजा देता है? मैं जवाब देता हूँ, षड्यंत्र रसीदी साहब ठीक है,